नमस्कार, मैं वर्षा और मैं तन्वी। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल मम्मी मेक्स यमी में। दोस्तों, आज हम आपको घर में मौजूद सिर्फ तीन बेसिक इंग्रेडिएंट से एक ऐसा नाश्ता बताने जा रहे हैं जो शाम की चाय के साथ और हल्की फुल्की भूख के लिए परफेक्ट मैच है, और साथ ही साथ ये 5 मिनट में फटाफट तैयार हो जाता है। तो आइए चलते हैं मम्मी के साथ और बनाते हैं जल्दी से तैयार होने वाला नाश्ता। ये मैंने 6 ब्रेड ली है। इस ब्रेड को मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। ब्रेड आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ गेहूं वाली ब्रेड ली है। अब ये 2 टमाटर हैं इस साइज के, इसको मैंने किशनी से किस लिया है। अब इसमें हम 1/2 कप सूजी मिलाएंगे। सूजी की मात्रा टमाटर के रस के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है। इसमें स्वाद के हिसाब से नमक लूंगी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये गाढ़ा पेस्ट हो गया है। अगर आपको इसमें लगता है कि नहीं पेस्ट थोड़ा पतला है, तो आप इसमें और थोड़ा सूजी ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी सूजी को इस पे इस तरीके से लगा देना है। और इसको एक तरफ रखते जाएंगे। मैंने यहाँ ब्रेड में ये किनारे कट नहीं किए हैं। अगर आप करना चाहें तो आप किनारों को भी कट कर सकती हैं। इस तरीके से पहले मैं सारे पीस तैयार कर लेती हूँ और एक तरफ तेल भी गरम करने रख देते हैं। ये बनके तैयार हैं। अब इसको तल लेते हैं। तेल में आप इसको किसी भी तरफ डाल सकते हैं, या आप इसको उल्टा भी डाल सकते हैं और ये सीधा भी डाल सकते हैं। और इसको मीडियम आंच पे तल लेंगे। ये मैं आपको दोनों तरीके से डाल के बता रही हूँ। इसको हमें कुरकुरा होने तक तलना है। ये ब्रेड कुरकुरी हो गई है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद इसे मैं टिश्यू पेपर पे फैला दूंगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल आएगा। बाकी पीस भी डाल के तल लेते हैं। ये तल के मैंने टिश्यू पेपर पे निकाल लिए हैं। अब इस पे चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और इसके बाद आप चाय के साथ इसको सर्व कीजिए। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ फटाफट तैयार होने वाला नाश्ता? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।